भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में मिशन लोटस सफल हो गया है। मिशन लोटस के कामयाब होते ही अब अपर्णा यादव को लेकर चर्चे एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, सपा छोड़कर अपने परिवार के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली अपर्णा यादव फिलहाल अब तक खाली हाथ हैं। अपर्णा यादव के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि भाजपा पुराने नेताओं पर दांव खेल रही है, लेकिन अब तक अपने उन नेताओं को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रही, रिपीट, उन नेताओं को लेकर कोई फैसला क्यों नहीं उठा रही जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनों के खिलाफ राजनीति की है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम अपर्णा यादव का है। ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर भाजपा अपर्णा यादव के साथ क्या करने वाली है। तो आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से अपर्णा को लेकर रणनीति साफ कर दी गई है। दरअसल साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, एक मजबूत महिला नेता की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में फिलहाल बीजेपी ने फैसला कर लिया है अपर्णा को उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करने का। मिली जानकारी की माने तो अपर्णा यादव यूपी लोकसभा चुनाव जब होंगे तो 80 सीटों पर बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा बनेंगी महिलाओं के लिए। महिला उम्मीदवारों का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में इस बार अपर्णा यादव बनने वाली हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का फिलहाल यही कहना है, अब आगे आने वाले वक्त में अपर्णा को लेकर बीजेपी और कौन से दांव खेलती है देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।